मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल, सरकार गिराने की दी चेतावनी। मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके सरकार को यदि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है तो कुछ नहीं किए हैं आप। एक मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे एक वीडियो क्या वायरल हो गया, प्रशासन ऐसे हरकत में आ गई कि पूरा का पूरा प्रशासन, उनका जो गांव है, मनीष कश्यप जी का गांव है, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया, उनके घर की कुर्की जब्ती की गई। तो मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा और कष्ट कर लेते, आर्मी बुला लेते और दो चार टैंक भी साथ में ले लेते। सरकार दावा करती है कि तमिलनाडु में जो हमारे बिहारी मजदूर हैं उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, तो प्रशांत किशोर जी ने भी वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो को हमने भी रीट्वीट किया है। अगर सरकार में क्षमता है तो प्रशांत जी पर भी केस करे और हम पर भी FIR करे। आज जो है बिहार सरकार ताल ठोक रही है कि बिहारी मजदूरों के साथ कुछ हुआ ही नहीं। अरे आपके आंख बंद कर लेने से सच जो है झूठ नहीं हो जाएगा, आप सच पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी खुद युवा हैं और युवाओं की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते हैं। आप तो खुद एसी कमरों में पैदा हुए हैं। कभी जो बिहार के मजदूर बाहर नौकरी करने जाते हैं, आपको क्या उनका दुख दर्द पता है, उनके साथ क्या समस्या है? आज जो बिहार सरकार है, सबसे बड़ा और सबसे सस्ता मजदूर एक्सपोर्टर बिहार को आपने बना दिया है। आज नीतीश कुमार जी अपने स्वार्थ के चलते इतने जो हमारे बिहार के लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, यहाँ रोजगार देने के बजाय वो नौकरी करने अन्य राज्यों में जाते हैं और किस तरह की जिल्लत की ज़िंदगी वो लोग सहते हैं वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जो सरकार में मंत्री है, नेता है, वो लोग एसी कमरों में बैठ करके एक मजदूर का दुख दर्द नहीं समझ सकते हैं। अरे यदि मनीष कश्यप जी ने गलती किया है तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन एक तरीका होता है, इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से आप युवाओं की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। और सबसे बड़ा झूठ जो फैलाने का काम किए हैं वो माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया है कि उन्होंने कहा था कि सरकार में जब वो रहेंगे तो पहली कलम से बिहार के युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ गया वो 10 लाख रोजगार? तो सबसे बड़ा झूठ कौन फैला रहा है? सबसे बड़ा झूठ जो फैलाने का काम किए हैं वो माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया है कि उन्होंने कहा था कि सरकार में जब वो रहेंगे तो पहली कलम से बिहार के युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ गया वो 10 लाख रोजगार? तो सबसे बड़ा झूठ कौन फैला रहा है? सबसे बड़ा झूठ तेजस्वी यादव जी फैलाए हैं। तेजस्वी यादव जी पर भी FIR होना चाहिए। जो बिहार का युवा है, आज उनका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है और सरकार ताल ठोक रही है कि बिहार में विकास हो रहा है, समाधान यात्रा चल रहा है। क्या हो रहा है बिहार में? कुछ भी नहीं हो रहा है बिहार में। ये केवल और केवल दिखावा है और यदि कोई आवाज़ उठाता है तो उस पर आप लाठियां चलवाते हैं। बिहार का युवा आपसे रोजगार मांगता है तो आप उनको लाठी देते हैं। याद कीजिए, बिहार वो पवित्र भूमि है। जब लोग सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं तो ये बिहार की पवित्र भूमि से कोई ना कोई जयप्रकाश नारायण जरूर निकलता है। और आज हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य हैं उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को भुला दिया है। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लोग संभल जाइए। जिस दिन बिहार का युवा पूरी तरह से जाग गया, आपको कुर्सी से हटा देगा। आपने इतने दिनों में क्या किया है? आप दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। याद कीजिए वो दौर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग 1994 का दौर याद कर लीजिए कि उस समय भी बिहार में
लोग सत्ता के नशे में चूर हो गए थे। यही समता पार्टी ने बिहार को परिवर्तन देने का काम किया था, और एक बार फिर से समता पार्टी बिहार में परिवर्तन देने का काम करेगी। आपकी सरकार भी गिरेगी और आपकी पार्टी भी टूटेगी, समझ जाइए।